अपने भाई के स्वागत के, लेकिन कोरोना चल रहा है तो भाई को आना तो इम्पॉसिबल है। मेरा भाई तो नहीं आने वाला, लेकिन मेरी दीदी वहाँ गई हुई है तो पक्का मुझे आइडिया है कि वो वहाँ राखी बांध के आएंगे और आज मेरा बहुत खुश होगा। और मैं बस यही प्रे करती हूँ मेरा भाई हमेशा खुश रहे, इन्जॉय करे अपनी लाइफ को। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया देने वाली हूँ आपके बालों के लिए। तो हम इतनी सारी कर्लिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट हेयर स्प्रे, हेयर जेल अपने बालों में यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको एक प्रोटीन पैक मैं बताने वाली हूँ जो अपने बालों पे आप करेंगे और जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हेल्दी और शाइनियर हो जाएंगे। वो मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बताने वाली हूँ। फिलहाल मैं दूसरे टॉपिक पे बात करी इस वीडियो में आपको ऐसे हेयर ऑयल के बारे में बात करूँगी जो अपने बालों को स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग और बहुत शाइनी बनाएगा, जो सच में बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि मैंने आपको किसी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं तेल यूज़ कर रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसका रिजल्ट अच्छा आया, तो सच में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मेरे हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेरे बाल अच्छे से निकल आए, मैंने यहाँ पे क्लिप लगा रखा है, बाकी आप देख सकते हैं कि ये बाल इस तरीके से निकल आते हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं लगते, लगता कि मैंने बालों में गंगी की नहीं, तो काफ़ी बाल निकल आ रहे हैं और बाकी निकले हैं जो तो मेरे कान के पीछे या चोटी में जाने लगे हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए मैं अपना तेल बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। एक कलौंजी, ये आनियन सीड्स हैं जो कि हम अचार में डालते हैं, जो हमारे इसके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपने सुना है कि प्याज का पानी लगाने से, प्याज का जूस लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं, तो ये सच है। अगर आपके पास ऑनियन सीड्स हैं तो आप प्लीज़ इनको कलौंजी को ले लीजिए। 3 से 4 मैंने बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच लिए हैं, जैसे कि चमचा बोलते हैं सब्जी परसते हैं, वही 2 चम्मच मैंने बड़े वाले ये मेथी दाना लिए हैं। इन दोनों को हमको तेल के अंदर डाल देना है, तेल को गुनगुना करना है अच्छे से, और उसके बाद उसको खौलाना नहीं, सिर्फ गुनगुना करना है तेल को, और उसके अंदर इनको डाल देना है और रात भर के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको सुबह निकाल के इसको छान लेना है, फिर आपके बालों में जब भी आप चाहें अपने बालों में लगा सकते हैं। अपने बालों में थोड़ा मसाज करिए 5 मिनट के लिए और 2 घंटे के लिए छोड़िए, इसके बाद अपने बालों को धुल लीजिए। देखिए मैंने अपने तेल लिए, मैं सरसों का तेल ही प्रेफर करती हूँ, मेरे घर का तेल है तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं गर्मियों में सरसों का तेल पसंद करती हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं कि सरसों का तेल ठंडा होता है तो बालों के लिए अच्छा होता है और हमको गर्म भी नहीं करता, लेकिन हालांकि थोड़ा चिपचिप होता है लेकिन फिर भी ठीक है। मैं रात में लगा के सोती हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने अपने हेयर को धुल लेना है बस, और फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होती, मत धुल लेती हूँ। मैं अपने ऑयल को गर्म कर ली, मैं ऐसे देख लेती हूँ, ये हल्का खूब गर्म हो जाता है, हालांकि ये खोलता नहीं, आपको देख रहे हैं इसके अंदर हलचल जो हो रही है, इसका मतलब ये गर्म हो गया। इसके बाद हमको सिंपल सा इसमें अपना ये सीड्स डाल देने हैं। आप चाहे तो इन सीड्स को ग्राइंडर में पीस सकते हैं, इसके बाद डाल सकते हैं। देखिए बस इतना ही गर्म करना, आपको दिख रहा है इसमें हलचल सी हो रही है, हाँ इतना ही तेल को गर्म करना है, बस इसको ढक के रख देना है, सुबह इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसके बाद आप जब चाहे अपने बालों में ओवरनाइट लगा सकते हैं या तो फिर आप सुबह लगा सकते हैं, और 2 घंटे रखिए, इसके बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए। दिन से बाहर आई हूँ और हमारा ऑयल देखिए रेडी हो गया है, और इसको मैं अब रख दूँगी रात भर के लिए, और सुबह मैं इसको स्ट्रेन करके डब्बे में भर लूँगी। तो इसके बाद मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ, हालाँकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी से भरा हुआ रखा है तो मैं वही यूज़ करूँगी, और इसको मैं रख देती हूँ, इसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो जरूर पसंद आएंगे। अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी।